ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 3 मई 2019 शुक्रवार का दिन है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। शिव चतुर्दशी का महापर्व इस दिन रहेगा। रेवती नामक नक्षत्र एवं मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। शिव चतुर्दशी की विधि एवं कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत किया है जिसमें हमने आपके लिए शिव चतुर्दशी की कथा विशेष रूप से बताई है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 3 मई को दोपहर 2:26 तक जो है पंचक रहेंगे, उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ से बनी कोई भी वस्तु खा करके आप निकलेंगे तो आपकी यात्रा शुभ फलदायी सिद्ध होगी। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 से लेकर 12 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु काल में सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध मीन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या और मीन, इन 5 राशि वालों के नए काम शुरू होंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई भी इनको प्राप्त हो सकती है। अचानक नई जिम्मेदारी भी इनको प्राप्त होने वाली है तो इनके लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।